अस्सलाम वालेकुम सारे मैं एंड टुडे विल बी ड्राइंग सॉरी नॉट ड्राइंग पेंटिंग टुडे विल बी पेंटिंग दिस फ्लावर। जो जो मैंने पेंट यूज़ किए हैं उसमें रेड ग्रीन ब्लैक येलो वाइट एंड ब्लू यूज़ किए हैं और ये चार ब्रश यूज़ किए हैं। इन सब के नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रिड ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेफरेंस इमेज से बना रहा हूँ और ये रेफरेंस इमेज जो है ये भी मेरा ही स्केच है। तो रेफरेंस इमेज को फॉलो करते हुए पहले पूरा फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से ही। मैंने 4H पेंसिल यूज़ करी है ड्रॉ करने के लिए। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिड लाइंस को भी उसी वक्त इरेज करें। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद भी इरेज हो सकती है या फिर जब बैकग्राउंड वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रिड लाइंस खुद ही उसके पीछे छुप जाएंगी। इस रेफरेंस इमेज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको यही इसी तरह से कॉपी करना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लें। अब पेंटिंग शुरू करिए। पेंटिंग शुरू सबसे पहले हम पेटल्स से शुरू करेंगे। रेड कलर लिया है पेटल्स के लिए और पहले रेड कलर कम्प्लीटली एक पेटल पे करना है प्लेन रेड कलर। मैंने थोड़ा लाइट यूज़ किया है। उसके बाद जहाँ जहाँ शेडोज़ हैं, शेडोज़ ज़्यादातर एज साइड पे होते हैं तो जहाँ जहाँ पे शेडोज़ हैं वहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक करना है और जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे हल्का सा पिंक शेड आएगा या रेड में वाइट मिक्स करते हैं उस तरह का शेड आएगा। पेटल बिल्कुल प्लेन नहीं होगा, कुछ साइड से ब्लैक और लाइट शेड भी लाजमी दीजिएगा। सारे पेटल्स बनाने के लिए यही सेम प्रोसेस यूज़ होगा, बस किसी जगह पर ज़्यादा डार्क करना होगा कहीं पर ज़्यादा लाइट करना होगा। ब्लैक कलर के यूसेज सही से करिएगा क्योंकि उसी से ही फ्लावर की डेप्थ नज़र आएगी, गहराई नज़र आएगी। ब्लैक कलर नहीं होगा तो बस एक 2D
सही नहीं लगेगा, तो यूज़ करिएगा ब्लैक कलर सही से, तभी एक रियलिस्टिक और 3D लुक आएगा। सारा कंप्लीट करने के बाद फिनिशिंग टचेस देंगे और जहाँ जहाँ पे वाइट वाइट से स्पॉट्स रह गए हैं बीच में उसको फिल कर लेंगे। करने के बाद लीव्स पर आएंगे, सारे लीव्स सेम कलर के नहीं होंगे, शेड्स का डिफरेंस होगा, कुछ येलो होंगे, कुछ डार्क ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन, कुछ उन दोनों का मिक्स, इस तरह से अलग अलग शेड्स के लीव्स बनाने। और रोज़ फ्लावर के तो होते भी लीव्स अलग अलग ही शेड के हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लीव्स में भी बिल्कुल प्लेन शेड नहीं करना, कोई साइड डार्क होगी तो कोई साइड लाइट होगी, किसी साइड पर हल्का हल्का येलो इफेक्ट आ रहा होगा, किसी साइड पर डार्क ग्रीन इफेक्ट आ रहा होगा। हर लीव में अलग अलग शेड आ रहे होंगे, बिल्कुल प्लेन लीव नहीं बनेगा। अब बैकग्राउंड को शेड करेंगे। बैकग्राउंड शेड करने के लिए मैंने ज़्यादा पानी यूज़ किया है, पानी के अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर लिया, बिल्कुल पतला कलर बनाया ये। तो इससे ये होगा कि अगर हल्का सा पेंटिंग पर आ भी जाता है ब्लू कलर तो वो इतना लाइट है, इतना पतला है कि पेंटिंग को अफेक्ट नहीं करेगा। वैसे तो बैकग्राउंड पहले कलर कर लेते हैं पेंटिंग शुरू करने से पहले, लेकिन मेरा इरादा नहीं था बैकग्राउंड कलर करने का। यहाँ पर ये पेंटिंग ख़त्म हो गई है। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।